आज क्लास 12 का मैथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम लोग त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला जो होता है आज उसको देखेंगे। कल टोटल इसी फार्मूला पर जो है कल सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज देखते हैं टोटल त्रिकोणमिति का क्या क्या फार्मूला है। सबसे पहले फार्मूला साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर क्या होता है एक्स। उसी तरह से टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बराबर क्या होगा एक्स। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स बराबर एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बराबर एक्स। कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स बराबर एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बराबर एक्स। कॉस एक्स इक्वल टू एक्स। इसी तरह छह फार्मूला है। फिर दूसरा फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या कोसेक इनवर्स ऑफ वन बटे एक्स। उसी तरह से लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर कॉट इनवर्स ऑफ वन बटे एक्स। सेक इनवर्स ऑफ एक्स बराबर लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ वन बटे एक्स। सिमिलरली इसके जस्ट उल्टा क्या लिख सकते हैं जैसे कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, जैसे यहाँ लिखे साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर कोसेक इनवर्स ऑफ वन बटे एक्स, उसी तरह कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स बराबर लिख सकते हैं क्या साइन इनवर्स ऑफ वन बटे एक्स। अगर कॉट इनवर्स एक्स पूछा जाए तो क्या आता है टेन इनवर्स ऑफ वन बटे एक्स। अगर कॉट कॉट इनवर्स ऑफ एक्स पूछा जाए क्या लिख सकते हैं कॉट तो हो चुका है। यदि कोसेक इनवर्स यदि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाला बराबर पूछा जाए क्या आ जाएगा सेक इनवर्स ऑफ वन बटे एक्स। इसी तरह छह फार्मूला है। टू टेन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स ऑफ टू एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर। टू टेन इनवर्स एक्स बराबर यदि साइन के रूप में पूछा जाए तो साइन इनवर्स ऑफ टू एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। यदि टू टेन इनवर्स एक्स बराबर यदि कॉस इनवर्स ऑफ में पूछा जाए क्या बोल सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर। यदि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के फॉर्म में हो इतना बड़ा फॉर्मूला क्या होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई बटे वन माइनस एक्स वाई। सेम है इसका जस्ट निगेटिव टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई बराबर क्या होगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई बटे वन प्लस एक्स वाई। यदि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर पूछा जाए तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। यदि जस्ट इसी का निगेटिव अगर पूछा जाए साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स ऑफ वाई बराबर
क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। यदि कॉस इनवर्स में पूछा जाए, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई, इतना बड़ा फॉर्मूला क्या आता है, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस होता है यहाँ माइनस होता है रूट अंडर क्या लिख सकते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स ऑफ वाई बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इंटू वाई माइनस होता है तो प्लस तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। शेष फार्मूला और क्या है, जिसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बटे टू। इसी तरह सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बटे टू। एक होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स बराबर क्या होता है पाई बटे टू। और एक छूट गया साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, यदि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो तो क्या होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह यदि टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो तो क्या लिख सकते हैं माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। इस तरह यदि कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स हो तो क्या लिख सकते हैं माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यदि कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो तो क्या लिख सकते हैं, इसका होता है क्या पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। यदि सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। एक बचा कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स बराबर लिख सकते हैं क्या इसका पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ये सभी ट्वेल्थ क्लास का त्रिकोणमिति का फार्मूला था, और ये प्रत्येक साल जो है ना एक फार्मूला प्रत्येक साल एक फार्मूला पूछ ही लेता है, इसलिए सभी फार्मूला को कम से कम आप लोगों को टोटल याद होना चाहिए। और कुछ देख लेते कौन कौन मतलब एलेवंथ में कौन कौन फार्मूला इंपॉर्टेंट है जो कि ट्वेल्थ इस मतलब आगे जो पढ़ेंगे तो उसमें यूज आएगा, तो जो एलेवंथ में इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो थोड़ा देख लेते हैं। कुछ एलेवंथ का फार्मूला देख लेते हैं जो कि एलेवंथ का फार्मूला ट्वेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वही जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें जो है ना एलेवंथ का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है खास करके त्रिकोणमिति वाला, तो वही त्रिकोणमिति का जो एलेवंथ का फार्मूला है वो थोड़ा देखते हैं, जैसे कौन कौन जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही देखते हैं, बाकी जो होगा वह जब सवाल सॉल्व करेंगे और वहाँ हम उस सवाल को फार्मूला लिखते जाएंगे और वह सॉल्व भी करते जाएंगे। जैसे यदि फार्मूला जैसे अगर सबसे पहले देखा जाए क्या कॉस टू थीटा, तो कॉस टू थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब इसी को यदि चेंज कर दिया जाए, यदि कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कितना वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो बराबर क्या आ जाएगा वन माइनस जब कॉस स्क्वायर को हम क्या कर दिए वन माइनस साइन स्क्वायर में लिख दिया, यहाँ जब इसको हल करें क्या आ जाएगा साइन साइन कितना आ जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस टू थीटा का फार्मूला यदि साइन के रूप में पूछा जाए तो क्या हम बोलेंगे, ये यदि कॉस टू थीटा का फार्मूला साइन और कॉस के रूप में बोलेंगे तो हम ये लिख सकते हैं। यदि इसी को कॉस टू थीटा को अगर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन को हम बदल दें क्या वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यदि कॉस स्क्वायर को हम कॉस रहने दिए और साइन को बदल दिए वन माइनस कॉस स्क्वायर में, जब इसको जब सॉल्व करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा अब माइनस वन माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा कितना टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन,
ए कॉस ऑफ टू थीटा का फॉर्मूला यदि कॉस के रूप में यूज किया जाएगा, ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ये होता है, कॉस के रूप में यदि साइन के रूप में पूछा जाएगा तो ये अप्लाई करेंगे। यदि कॉस टू थीटा को टेन के रूप में अप्लाई किया जाए, कॉस टू थीटा बराबर टेन के रूप में तो क्या होता है, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस टू थीटा का क्या है, टेन के रूप में फॉर्मूला। ये भी ट्वेल्थ का जब त्रिकोणमिति का सवाल सॉल्व करेंगे तो वहाँ ये सब फार्मूला यूज आएगा। उसी तरह जब साइन टू थीटा को देखते हैं, साइन टू थीटा बराबर क्या होता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यदि साइन टू थीटा का फार्मूला देखिए, यदि साइन टू थीटा को टेन के रूप में फार्मूला दिखा जाए तो क्या होता है, टू टेन थीटा बटे वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब फिर क्या देख लेते हैं, जैसे साइन थ्री थीटा भी यदि फार्मूला है, साइन थ्री थीटा बराबर क्या होता है, थ्री साइन थीटा और माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। फिर इसी प्रकार कॉस थ्री थीटा का फार्मूला क्या होता है, फोर कॉस क्यूब थीटा और माइनस थ्री कॉस थीटा। यदि टेन थ्री थीटा का फार्मूला यूज किया जाए क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटे वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ये सभी फार्मूले क्लास ट्वेल्थ का जितना भी त्रिकोणमिति और डिटर्मिनेंट, ऐसे त्रिकोणमिति और डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में ये सभी इलेवेंथ का फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज आएगा। और ये सभी हर जगह डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन में जो है ना बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसलिए सभी को जो है ना हमेशा याद होना चाहिए। राइट, आप लोगों के समय एक महीने से बस समय है, इसलिए यहाँ से जो है ना आप लोग फार्मूला का इंटरेस्ट याद करिए। और कल से हम सेम इसी फार्मूला पर ट्वेल्थ का टोटल त्रिकोणमिति का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।